क्या आपके भी आपके जी बोर्ड के अंदर आपको हैंड राइटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है? आपको यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन नहीं आता है और यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग करने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे अपने टाइप करने का कीबोर्ड कैसे आप इनेबल करेंगे और आप अपने जी बोर्ड के अंदर ऐसे प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कीबोर्ड कैसे आप इनेबल कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको जो टाइपिंग का कीबोर्ड है ये आपका यहाँ से गायब हो जाए, हैंड राइटिंग का कीबोर्ड है ये आपका यहाँ से गायब हो जाए और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार यहाँ पे हैंड राइटिंग की जगह पे अपना कीबोर्ड कैसे इनेबल करेंगे, कैसे हम यहाँ पे वापस लेंगे जो हमारा यहाँ पे टाइप करने का कीबोर्ड होता है, तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और यहां पे अगर आप बैक आते हैं या आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो यही आपको देखने को मिल जाता है, हैंड राइटिंग कीबोर्ड। तो देख सकते हैं यहां पे आपको हैंड राइटिंग कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है और ऐसे आप यहां पे अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहां से बैक आना है और बैक आने के बाद यहां पे आपको करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार अपनी हैंड राइटिंग यहां पे जो कीबोर्ड आता है इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे या दोस्तों आपको यहीं पे क्लिक करना है और यहीं पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे मिल जाता है आपको लैंग्वेज, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको देखने को मिल जाता है आपका लैंग्वेज, आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपका हिंदी लैंग्वेज। अब यहां पे आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं आपके बहुत सारे लेआउट। अब यहां पे आपको करना क्या है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है और यहां से आपको हैंड राइटिंग वाला आपको यहां से डिसेबल कर देना है, उसके बाद यहां से आपको डन करना है। जैसे आप इतना काम करेंगे इसी प्रकार आपको हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां पे आपको हैंड राइटिंग से आपको यहां पे डिसेबल करना है और यहां पे आपको अपना हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां से आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डन करना है। जैसे आप डन करेंगे उसके बाद यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे अब आपके यहां पे सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहां पे आपको यहां पे टाइप करने का वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और यहां पे आपको टाइपिंग कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा और बड़ी ही आसानी से आप टाइपिंग कर सकते हैं, किसी भी दोस्तों के साथ चैटिंग कर सकते हैं। अब यहां पे आपको हैंड राइटिंग का जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार अपने कीबोर्ड के अंदर जो आपका जी बोर्ड होता है उसके अंदर हैंड राइटिंग प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।